हेलो एवरीवन, आजकल देखा जा रहा है RSC क्लियर करने में स्टाफ को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो सीटें वो नॉन टर्न अप करते हैं वो सीटें शो ही नहीं करता है, ना RSC को जाती है ना वैकेंट सीट दिखाता है। तो उसके लिए सारे स्टाफ की कॉल मैसेज तो आ रहे हैं लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ सबका। इसके लिए आप लोग को एक छोटी सी वीडियो बना के भेज रहा हूँ मैं, वो आप देखिए और वर्क करिए, बताइएगा फिर क्या होना है। सबसे पहले हम लोग न्यू चार्ट ले लेते हैं गाड़ी का। ये सब डाटा आ गया है अपने पास, चार्ट डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। जैसे ही हम व्यू चार्ट पे जाएंगे, यहाँ हम लोग यहाँ पे RSC पे होगा, फिर हमें जाना है RSC पे सीधे, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे A1 में, ठीक है। 23 नंबर हम लोग टर्न अप करते हैं और 29 नंबर हम नॉट टर्न अप करते हैं। ओके डन, और सेव करते हैं इसको। डाटा सेव हो गया है, बैक जाएंगे, सिंक करेंगे डाटा। डाटा सिंक हो गया है अपना, यहाँ पे टाइमिंग आ जाता है लिखा हुआ टाइमिंग डाटा सिंक का। अब जाएंगे हम RSC में, RSC लिमिटेड में, ठीक है, नेवर करता हूँ उसे। ये हमने 29 को प्रेजेंट किया है, 23 को प्रेजेंट किया है, 29 को हमने अपसेंड किया, ठीक है। अब हमें सीट कन्फर्म करने से पहले ना अपसेंड वाली सीट को पुश करके रखना है, वैकेंट बर्थ एडिट सक्सेसफुली। जब तक ये लिखा नहीं आएगा तो समझ लीजिए 29 नंबर आपके कहीं शो नहीं करेगा। ओके किया, डन किया, टर्न अप वाले पैसेंजर पे पुश करके रखेंगे एंड टच करेंगे, बर्थ पे जाएंगे, ये देखिए दिखा रहा है A1 में 29 दिखा रहा है अवेलेबल, ठीक है, ऊपर वाली, ऊपर वाली, ठीक है। यहाँ डन करेंगे और हम इसे सबमिट कर देंगे। देखिए A1 में 29 नंबर A1 में चली गई है। इस तरीके से हमें अब अपसेंड वाली सीट को पुश करके रखना है जिससे वो वैकेंट बर्थ, अब देखिए अब दिखा रहा है वैकेंट बर्थ ऑलरेडी। ओके डन, थैंक यू, आगे वीडियो मिलती रहेंगी और